नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आज केएल राहुल की वो कप्तानी, वो सूझबूझ देखने को मिली है, जिसके बाद दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर की टीम पूरी तरह से ढह गई है। और श्रेयस अय्यर के साथ साथ आज दोस्तों तमाम लोग केएल राहुल की कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आज दोस्तों जो कोलकाता नाइट राइडर की टीम है उसने केएल राहुल की कप्तानी के आगे और केएल राहुल की कप्तानी का जो माइंडसेट है उसके आगे पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। तो जी हां, आपको बता दें आज लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में आज एक बार फिर से आईपीएल का बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। ये आईपीएल 2022 का मैच नंबर 53वां था। तो आपको बता दें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने दोस्तों आज के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से आज दोस्तों ज्यादा कुछ केएल राहुल कर ना सके, रन आउट हो गए बिना खाता खोले ही। तो वहीं आज क्विंटन डिकॉक ने 50 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेली सिर्फ 29 गेंदों पर, और इन्होंने अपनी पारी में 4 चौकों के साथ साथ 3 छक्का भी जड़ा। जबकि दीपक हुड्डा ने भी डिकॉक का साथ दिया और इन्होंने 27 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली। कुणाल पांड्या ने 27 गेंदों पर 25 रन बनाया, जबकि आयुष बदोनी ने सिर्फ 15 रन बनाया 18 गेंद खेलकर। तो वहीं मार्क्स स्टोनिस ने 14 गेंदों पर बेहद ही शानदार 28 रनों की पारी खेली, और इसके बाद जेसन होल्डर ने दोस्तों अंत में 4 ही गेंदों पर 13 रन जड़ दिया। तो कुल मिलाकर के लखनऊ सुपर जायंट्स ने 176 रन बनाया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर को 177 रन बनाना था, लेकिन यहां पर शुरू होती है केएल राहुल की कप्तानी का सिलसिला। और प्रीति जिंटा के साथ साथ श्रेयस अय्यर और तमाम दिग्गज भी देखते रह गए, और खुद गौतम गंभीर को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था, यहां तक कि अनिल कुंबले भी देख करके केएल राहुल की कप्तानी सर पीट रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे कोलकाता नाइट राइडर के बैट्समैनों पर केएल राहुल अकेले ही हावी हो गए। जी हां, आपको बता दें आज बाबा इंद्रजीत और एरन फिंच पहले बैटिंग करने के लिए आए थे ओपनिंग में, लेकिन पहले ही केएल राहुल ने मोहसिन खान को गेंद थमाई और मोहसिन खान ने बाबा इंद्रजीत को पवेलियन की तरफ चलता किया। इसके बाद दोस्तों देखने को मिला कि जेसन होल्डर का आज केएल राहुल ने बहुत ही शानदार तरीके से उपयोग किया है, क्योंकि एरन फिंच का जो विकेट गिरा वहां पर जेसन होल्डर ही गेंदबाजी करा रहे थे, और जेसन होल्डर ने महज 14 रनों पर ही एरन फिंच को चलता किया। इसके बाद श्रेयस अय्यर भी ज्यादा कुछ खास कर ना सके, और चमीरा की बेहद ही शानदार बाउंसर गेंद पर ये भी आउट हो गए और बाउंसर का सामना ना कर पाए। इसके अलावा देखने को मिला कि नीतीश राणा तो आवेश खान के द्वारा पूरी तरह से बोल्ड हो गए। तो कुल मिलाकर के यहां से बल्लेबाजी लड़खड़ाने लग गई, और अंत में जब आंद्रे रसल अच्छी पारी खेल रहे थे तो वहां पर आवेश खान को एक बार फिर से केएल राहुल लेकर आते हैं, और इसी वजह से हम केएल राहुल की कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेहद ही शानदार तरीके से गेंदबाजों का उपयोग किया है। और आवेश खान को जैसे ही केएल राहुल लेकर के आते हैं, यहां पर आंद्रे रसल कैच थमा बैठते हैं जेसन होल्डर के हाथ में, और यहां से ही पूरी तरह से ये टीम लड़खड़ा जाती है। अंत में सुनील नारायण ने जरूर 12 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली, लेकिन यहां पर भी केएल राहुल ने होल्डर को बुलाया, और ऐसे टाइम पर होल्डर को बुलाया जब होल्डर की सबसे ज्यादा जरूरत थी और जब सुनील नारायण बहुत तेजी से स्पिनरों को खेल रहे थे, लेकिन होल्डर को ये अपना कैच थमा बैठे, और इसके बाद यहां से ही पूरा मैच पलट गया और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बहुत आसानी से इस मैच को जीत गई। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।